और 5 लाख कॉम्पनसेशन। ये बिल तो सबमिट किया है शेख रशीद अहमद ने, आपने कहा शाहिदीन मजारी ने किया है, इस पे तो लिखा है मिनिस्टर फॉर इंटीरियर शेख रशीद अहमद। इन्होंने लेकिन जो ये हमने हमारे सामने जो प्रिंट आउट हुआ है नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट से, इसमें तो नाम आ रहा है मिनिस्टर का आ रहा है शेख रशीद अहमद जी। तो अब कहते हैं कि गवर्नमेंट इसको पास कर सकती है या नहीं कर सकती? नहीं सर, ये तो नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर ये तो शेख रशीद अहमद है जी सर, लेकिन ये आपने देखा ये जी सर, अभी मुझे मेरे लड़के ने ला करके दिया है, तो एक फाइल में चुके था नहीं, मुझे रात ही फाइल मिली है, मैं लौट मैंने भी देखा। रिपोर्ट के मुताबिक भी वो कहती है वी हैड प्रीपेड, हां लव्स प्रिंट आउट, हां आई का लव्स नहीं लिखा, वी का लव्स लिखा। श्री मजारी साहब के स्टेटमेंट से जी माने एक और प्रिंट आउट दे उसके दो और, ये मेरे पास एक कॉपी है मैंने, नहीं नहीं हमने ले लिया है, खुद ही ले लिया प्रिंट आउट, नहीं है सर ये। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत जारी है, जिसमें अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस जानिब से सामने आया है। लापता अफराद केस को सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लापता अफराद केस में दरख्वास्तों पर तकनीकी एतराजात नज़रअंदाज कर दिए गए, ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से। हम पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते, कौन सी शिक है जिसके तहत हम कानून साजी करें? विफाक का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला, हम समझते हैं हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी अहम रिमार्क्स दिए गए, तो आपको आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत जारी है। अगर मैं लौट जाते हैं तो मैं सब पार्टी बना देता हूं। कितने जर्नलिस्ट का आपने जिक्र किया बताइए? मैंने मेनली एक का किया है, इमरान रियाज का किया है सर, क्योंकि एक तो वो अरशद चीफ का मैटर था। आपने दो जर्नलिस्ट का शायद नाम ना सुना हो, इन्होंने कहा क्या कि ये इमरान रियाज साहब ने जी मुझे किससे उठाया है? इन्होंने ये तो पता चला, लेकिन उन्होंने कहा जी बस खैर खैरियत से वापस आ गए हैं, और ये तो जो पुलिस ने खुद लिखा, ये पेज 11 और 12 पे अगर मुलाहिज़ा फरमाएं, जो पुलिस ने स्टेटमेंट दी है देयर आफ्टर फॉर, नहीं पुलिस की बात तो आप नहीं मानेंगे ना, आप इमरान रियाज साहब ने क्या जिक्र किया, क्या कहा? इमरान रियाज का तो बस वो जो आया कि जी मैं वापस सेफली वापस पहुंच गया हूँ, he could not speak for many months for some weeks properly। अब बोल सकता है इमरान रियाज साहब असर रसूख वाले शख्स हैं या नहीं है? वो तो मैं मानता हूँ कि है। अच्छा, आप शायद इस कमरे अदालत में शायद दो असर और रसूख वाले जर्नलिस्ट शायद ना हो, उनका आपने जिक्र क्यों नहीं किया? मेरे प्रोबेबली नॉलेज में उस वक्त नहीं होगा। इस नॉलेज में एक का नाम है मतीउल्लाह जान जी, वो उस वक्त आए थे, वापस आ हुए थे या नहीं हुए थे? जी बिल्कुल हुए थे। इसकी हुकूमत थी? हुकूमत प्रोबेबली पीटीआई की थी। उनका जिक्र क्यों नहीं किया आपने अपने पिटीशन में? इसलिए नहीं किया कि सर वो चुके उस वक्त उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं नहीं सर, वो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं तफरी पे गया हुआ था कहीं, नहीं सर, कोर्ट इंटरवेंशन पे आफ्टर वन डे ही वाज रिकवर्ड। आपने जिक्र क्यों नहीं किया उनका? सर जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो आज का लाइव इशू नहीं है, आज के जो लाइव इशू मैंने उनको जिक्र किया। लाइव इशू आपने बनाया है, वो भी तो सर उनको भी सर हेड फरमा दे, जो कमीशन बनेगा ऑल दोस पर्संस हु आर व्हेन मिसिंग करें ना। एक और भी जर्नलिस्ट है, पता नहीं वो है या नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहे, उनको भी कुछ मारपीट हुई थी उनकी? हाँ। जी असद तुर्क की हुई थी मेरे नॉलेज में। तो उनका जिक्र क्यों नहीं किया आपने अपनी पिटीशन? सर क्वेश्चन ये है कि नहीं, वो चीजें थी ऐसे ना, देखिए अगर आपने इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करना, नहीं देखिए ना ऐसे बात ना करें। इन ये दोनों जर्नलिस्ट से आपने बात की उस जमाने में की थी? आज से नहीं है, मतीउल्लाह जान से उस वक्त, बल्कि मैं केस में पेश हुआ था उस वक्त। केस में पेश हुए थे तो जिक्र इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? सर इसलिए नहीं किया कि आज के जो लाइव इशू थे तो 2023 के, मैंने उनको टेकअप किया, और अगर माय लॉर्ड कमिश्नर बनाएंगे आई कंसेंट बिफोर योर लॉर्डशिप के उनके नाम भी ऐड कर देंगे कि किसने उठाया, क्यों उठाया, कैसे रीअपीयर हुए, कौन कौन लोग उसमें मुलव्वस है, एवरीवन शुड बी। शोएब साहिब, आप उन लोगों के नाम ले रहे हैं
जो कि आकर के खड़े होकर ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे फला ने उठाया है, ये गलत तरीके से उठाया है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से चला गया, हो सकता है दबाव में बात कर रहे हो सकता है, मगर अब वो दो जर्नलिस्ट जो अपनी बात पे खड़े हुए हैं, वो तो इमरान रियाज भी खड़ा है सर, नहीं वो नहीं, आपने कहा कि उसने कहा कि जी मैं वापस आ गया बस, लेकिन उसके बाद तो उसकी हालत ही नहीं थी ना सर, सुन तो लेना सर, तो जो दो जर्नलिस्ट जिनके नाम आपने फिर रिलक्टेंटली ले लिए अदालत में, वो तो ये नहीं कह, अरे सुन तो ले, सर, सर। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नॉर्दर्न एरियाज गया हुआ था या मुझे किसी ने आके घर में पिटाई नहीं की, वो तो अपनी बात पे कायम है ना सर, दे शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट ना सर, सर वंस यू पिक एंड चूज देन वी आस्क यू अ क्वेश्चन कि व्हाई आर यू पिकिंग एंड चूजिंग, व्हाई आर यू नॉट मेंशनिंग, अच्छा यहां बात खत्म नहीं होती है, ठहर जाइए, जर्नलिस्ट का केस आया सुप्रीम कोर्ट में, सो हैपेंड आई वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट बेंच एंड वी टुक नोटिस एंड हुज गवर्नमेंट इट वाज एंड प्रोसीडेड अगेंस्ट अस के द जज कैन नॉट टेक नोटिस, डू यू रिमेंबर दैट, उस वक्त तो आपने कोई बात नहीं की, आप खड़े होके नहीं आए मतीउल्लाह जान के साथ या असद अली तूर के साथ कि जी क्यों नहीं खड़े हुए उन लोगों, मैं तो देखिए अगर एक जुल्म को आप नजरअंदाज करेंगे ना तो फिर और होते जाएंगे, हर जुल्म पे खड़े हो जाइए, ठीक बात है सर, मैं तो योर लॉर्डशिप इज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, इनको सबसे पहले टॉप पे रख देते हैं, नहीं नहीं हमने बाकी को भी शामिल, तो आज लाए ना पिटीशन जी, कुछ लोग पिटीशन लाए थे डायरेक्ट साफी लाए थे अदालत में, वो पिटीशन को तो आप लोगों ने चलने नहीं दिया, मैं नहीं था उसमें सर, नहीं आप मैं किसी साइड पे नहीं था उस वक्त, आप किस पार्टी में हैं आजकल सर, मैं तो सिर्फ एक गुजारिश करूं, आप किसी पार्टी में हैं जी, मैं पीटीआई में हूं, तो किसकी हुकूमत थी जो चेंज चल रही थी, मैं ये कहता हूं मैं ऐसा ना करें सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, उसमें किसी पार्टी का ताल्लुक हो नहीं सकता, अगर मुझसे गलती होगी मैं मानूंगा, बिल्कुल ठीक बात है सर, अगर आप कहें नहीं मैं तो नहीं मानना अपनी गलती दूसरों पे बस करूंगा सर, नहीं नहीं मैं तो वो पहला आदमी हूँ जो अगर मेरी गलती या किसी मेरी पार्टी की सबसे पहले एडमिट करूंगा, आपके ख्याल में जो उस वक्त तशद्दुद हुआ था सहाफियों पे बहुत गलत था सर, सुन तो लेना जी सर, जो अदालत ने लिया था नोटिस, जो अदालत में डायरेक्ट पिटीशन फाइल हुई थी, ठीक है, क्या मौकफ था आपकी हुकूमत का उसका सर, पहली बात तो यह है, मैं एक गुजारिश कर दूं, पहली बात तो यह है कि आई एम नॉट अपीयरिंग एज पीटीआई वर्कर और पीटीआई लीडर इन दिस केस, दूसरी बात सर इज आल्सो नॉट अपीयरिंग एज पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी, हम आए हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, माय लॉर्ड के सामने जो चीज जनाब समझते हैं किसी के साथ भी जाती हुई, बट एज ऑफिसर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट जो गलत हुआ किसी के साथ हुआ जिसने किया उन सबको इसमें शामिल करके इस कमीशन में शामिल कीजिए, 100% हम अग्री करते हैं, मगर जब आप सिर्फ क्यों कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट में जो हुआ है उसको आप कंडेम कर रहा हूँ, आप कंडेम करते हैं जब आपके एहसास थे, मैं तो उस वक्त पार्टी में था ही नहीं वैसे, लेकिन बात ये थी कि ना गवर्नमेंट ने उस वक्त उठाया था ना आज गवर्नमेंट ने उठाया है लोगों को, नहीं, आप जिस वक्त लोगों को उठाया गया वो भी कुछ और थे आज भी कुछ और है, देखिए मैं आप फर्क, आपने जितने लोगों के नाम लिखे ना या तो आप सबके लिख देते जो आपके पार्टी में थे या नहीं थे या न्यूट्रल थे, जिन दो जर्नलिस्ट का मैंने नाम लिया वो शायद इंडिपेंडेंट उनको तस्वर किया जाता है जर्नलिस्ट, वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है, कम से कम कोई एलिगेशन मैंने आज तक सुना नहीं है, पता नहीं हो सकता है वो हो किसी के एलिगेशन, तो खैर हर बंदा हर बंदे के खिलाफ लगाता है उस पे तो नहीं जाता, बट दे आर क्रेडिबल जर्नलिस्ट, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, पूरी बात सुने ना, माय लॉर्ड जब हम लोग काम करते हैं इससे पहले कि कुछ हो सके हमने अपनी तरफ से काम किया, वो काम चलने नहीं दिया गया, ठीक है, आज अगर आप कहें कि मुझे मैं कोई तफरीक नहीं कर रहा हूं किसी में, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर अगर आप तफरीक नहीं कर रहे होते तो बराए करम उन जर्नलिस्ट का भी नाम लिख देते जो मौजूद हैं कमरे अदालत में, जिन्होंने ये नहीं आज तक अपनी स्टेटमेंट से हटे नहीं कि हमें किडनैप नहीं किया गया या हमें मारपीट नहीं की गई, तो फिर आपकी पिटिशन में थोड़ा वजन बढ़ता कि आप अक्रॉस द बोर्ड कह रहे हैं कि ये अच्छा हमारे बंदे को उठाएं तो गलत है, वो दूसरे को उठाएं तो सही है, ये ना करें, हमारे लिए हर शहरी बराबर है, ठीक है, चाहे वो किसी पार्टी से भी मुंसलिक हो, कोई दिलचस्पी नहीं है,
कि किस पार्टी से मुंसलिक को हमारे खिलाफ बयान दे या फेवर में दे। अब आपने अगले दिन भी अब आपने जितने नाम लिए हैं ना, अब हम ये नहीं कह रहे हैं, मगर आप वो एक पर्टिकुलर स्लांट नजर आ रहा है उसमें सर जो आजकल हो रहा है। मैं जनरल बात करते तो वो अलग है सर, तो मैं 2023 में बात करूंगा। अगर एक जिन लोगों को उठाया जाएगा मैं उनकी बात करूंगा, नहीं अब जिनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा मैं लौट उनको तो मैं नहीं नाम रखूंगा ना। प्रोटोकॉल क्या मतीला साहब को प्रोटोकॉल मिला? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन पॉलिटिकल वर्कर्स को प्रोटोकॉल के साथ जाकर उनके जलसे कराए जाएंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को उठाया जाएगा। अब हम आपको रोकेंगे, अगर आप इसको सियासी फोरम बनाना चाह रहे हैं। नहीं सर, नहीं मैं तो इसलिए तो दूसरी तरफ ले आया मैं लॉर्ड। अब मेरा एक पैराग्राफ पेज 10 पे देखेंगे जी, पेज 10 पे बताइए जी सर। आई एम सॉरी सर, पहले मैं एक और बंदे का नाम लेके पेज 7 पे पैराग्राफ 16 सर फिर मैं आगे। दैट डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच, ए बलोच फिजिशियन एंड पॉलिटिशियन, हैज बीन मिसिंग फॉर 14 इयर्स। He was affiliated with the Baloch National Movement. His family has filed a case with the police in Khuzdar and filed application in the Balochistan High Court. There has been no trace of him for years. More recently, Baloch students have been subjected to short-term disappearances, being picked up, kept in secret detention facility, and released several days later. और माय लॉर्ड की जजमेंट आर्थर जज दीदेन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस, दैट इन कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 77 ऑफ 2010 रिपोर्टेड एज 2012 एससीएमआर 1958, द सुप्रीम कोर्ट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाज इनवोक्ड टू प्रोटेक्ट द लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान टू टेक ऑल सच स्टेप्स टू प्रिवेंट। अहम मामला सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत का मौका, चीफ जस्टिस की सरबराही में